अधर्म का विध्वंस करने। 500 करोड़ के बजट में बनने वाली आदि पुरुष लंबे समय के इंतजार के बाद 16 जून को रिलीज हुई थी। रामायण पर आधारित इस फिल्म को हर कोई थिएटर में ही जाकर देखना चाहता था, लेकिन दोस्तों इस फिल्म के रिलीज होने के बाद यह कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इस फिल्म से हर किसी को उम्मीद थी कि यह फिल्म कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन दोस्तों इस फिल्म के विजुअल और डायलॉग्स लोगों को पसंद नहीं आए और इस फिल्म की जमकर नेगेटिविटी हुई। प्रभास के स्टारडम के वजह से इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते तो काफ़ी अच्छी शुरुआत की, लेकिन दूसरे हफ्ते दम तोड़ चुकी थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष के अभी तक के 8 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि इस फिल्म ने अभी तक दुनिया भर से सभी भाषाओं में कितने करोड़ की कमाई की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आदि पुरुष फिल्म कैसी लगी। ओम रावत के डायरेक्शन में बनने वाली आदि पुरुष, जिसमें आपको प्रभास, प्रीति सेन, सैफ अली खान, सनी सिंह जैसे कई सारे बेहतरीन एक्टर इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। आदि पुरुष को सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी उसके डायलॉग्स की वजह से मिले। आदि पुरुष ने अभी तक के सभी भाषाओं के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ सभी भाषाओं में रिलीज किया गया था। आदि पुरुष फिल्म का बजट लगभग 550 करोड़ रुपए था। फिल्म को दुनिया भर में और लगभग 9000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी नेट कलेक्शन की, उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो आदि पुरुष ने अपने हिंदी में अपने 7 दिनों में लगभग 142 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी थी। वहीं 8वें दिन यानी आज यह फिल्म हिंदी मार्केट से लगभग 4.5 करोड़ रुपये की कमाई कर रही है। इसी के साथ आदि पुरुष का हिंदी नेट कलेक्शन 147 करोड़ रुपये का हो चुका होगा। वहीं हिंदी ग्रॉस कलेक्शन 175 करोड़ रुपये का हो रहा है। अब बात करते हैं आदि पुरुष के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। तो आदि पुरुष ने जहां अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड लगभग 140 करोड़ रुपए का दमदार कमाई किया था, वहीं 3 दिनों के वीकेंड में इस फिल्म ने 340 करोड़ रुपए कमा लिए थे। 6 दिनों में सभी भाषाओं से दुनिया भर में इस फिल्म ने 410 करोड़ रुपए कमा लिए थे। वहीं 7वें दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट से सिर्फ 14 करोड़ की कमाई कर पाई थी। इसी के साथ आदि पुरुष का वर्ल्ड वाइड 7 दिनों का कलेक्शन 424 करोड़ का हो चुका था। वहीं आज अपने 8वें दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट से लगभग 12 करोड़ की कमाई कर रही है। इसी के साथ आदि पुरुष का 8 दिनों का वर्ल्ड वाइड मार्केट से कलेक्शन लगभग 436 करोड़ रुपए का हो रहा है। सैटरडे और परसों है संडे, इस फिल्म के 2 दिनों के लिए उम्मीद की जा सकती है कि यह फिल्म अपने कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आदि पुरुष अपने बजट की रिकवरी कर पाएगी या नहीं, क्या यह फिल्म हिट हो पाएगी नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और बॉलीवुड साउथ से जुड़